ये है हमारा तीखे वाला चटपटा धनिया पुदीने का पानी, और ये है हमारा मीठा पानी। भाई किसी को तीखा कम पसंद हो तो ये मीठे वाले पानी के साथ खा सकता है। तो ये है हमारा मीठा पानी, और ये है हमारा हींग वाला पानी। अगर किसी का हाजमा सही ना हो तो ये पानी परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया लगता है। जीरे वाला पानी, ये भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये है जीरे वाला पानी, और ये है हमारा सौंठ वाला पानी। हेलो एवरीवन, तो आज हम पानी पूरी के पानी बनाने की रेसिपी देखेंगे। एक नहीं बल्कि पांच पांच फ्लेवर के पानी की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आपने ये पानी पूरी की रेसिपी जैसे मैंने बताई अगर वैसे बना ली तो आप सचमुच बाहर खाना छोड़ के घर में ही खाना शुरू कर देंगे और घर में ही पानी पूरी अपनी खुद बनाएंगे। तो चलिए हम फटाफट अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना तीखा वाला पानी बना लेते हैं, धनिया और पुदीने वाला पानी। तो इसके लिए ऑफकोर्स हमें चाहिए धनिया पत्ता, जो मैंने धो के ले लिया है, और साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी पुदीने के पत्ते, इनको भी मैंने धो के रख लिया था, और ये हरी मिर्ची थोड़ी सी, जितनी आपको खानी हो, जैसी मिर्ची पसंद हो, और साथ में थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक। नमक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये पीसने में बहुत ईजी हो जाएगा। और अदरक, इसको हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये मसाला पीस के तैयार कर लिए हैं, और इसमें डाल देंगे हम ढेर सारा पानी, और साथ में हम इसमें डाल देंगे ये एक चम्मच पानी पूरी का मसाला। कोई भी ब्रांड के पानी पूरी का मसाला ले सकते हैं आप, और इसका नमक आप टेस्ट कर लीजिए, बिकॉज हमने पीसते समय भी इसमें नमक डाला हुआ है। तो नमक टेस्ट कर लीजिए, नमक जैसा आपको चाहिए हो आप वैसा नमक डाल सकते हैं। और साथ में मैं इसमें डालने वाली हूँ टाटरी, ये ऐसे वाइट कलर की होती है, ये नींबू का अर्क इसको कहा जाता है, पर इसको टाटरी भी कहा जाता है। तो आप इसकी जगह नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, पर मैं आज इसे टाटरी से खट्टा करने वाली हूँ, बहुत खट्टा होता है, तो इसको थोड़ा सा डाल देंगे हम, और इसमें डाल देंगे ये थोड़ी सी बूंदी। तो ये देखिए हमारा चटपटा तीखा पानी एकदम तैयार हो गया है, और अब हम बना लेंगे मीठा पानी। तो मीठा वाला पानी बनाने के लिए ये गुड़ है जिसे मैंने फोड़ के रख दिया है, आप इसे नाइफ से भी कट करके रख सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी में रख सकते हैं ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल लेती हूँ, ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, तब तक मैं इसमें और मसाले डाल लेती हूँ। तो मसालों में मुझे डालना है इसमें काला नमक, थोड़ा सा ये नॉर्मल वाला नमक, इसमें भी हम थोड़ा सा पानी पूरी का ये मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा तीखा भी होना चाहिए, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी रेड चिली, और खट्टे के लिए मैं इसमें डालने वाली हूँ इमली का पल्प। गुड़ के साथ इमली का टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा आता है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें इमली का पल्प मिक्स कर दिया है, और ये हमारा तैयार हो गया मीठा पानी। देखिए कितना बढ़िया सा पानी बन गया है। तो ये हमारा मीठा वाला पानी तैयार हो गया। तो अब हम बनाने वाले हैं तीसरा पानी, जो है हींग वाला पानी। तो हींग वाला पानी बनाने के लिए अगेन हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे, इसमें डाल देंगे एक चम्मच पानी पूरी मसाला। पानी पूरी मसाला आपको हर पानी में डालना है, तो दिस इज द मेन इन्ग्रीडियंट। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक, टाटरी या फिर नींबू का जूस या इमली का जूस, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और साथ में क्योंकि ये हींग वाला पानी है तो इसमें डाल देंगे ढेर सारी हींग। हम बना लेंगे जीरे वाला पानी, ये पानी भी बहुत टेस्टी लगता है, पर इसमें भी हमें पानी पूरी मसाला थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा पानी पूरी मसाला 1 स्पून, और उसके बाद हमें इसमें डालना है जीरा पाउडर। जीरा पाउडर आप घर में अगर भून के पीसेंगे तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, तो कोशिश कीजिए कि घर में भुने हुए जीरे को डालिए। ये है ब्लैक सॉल्ट, और साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नॉर्मल नमक, और इसे खट्टा करने के लिए अगेन मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी टाटरी, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स।
और इसकी खूबसूरती को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ये बूंदी। तो ये तैयार हो गया हमारा जीरे वाला पानी। और अब हम लास्ट वाला पानी बनाने जा रहे हैं जो कि है सौंठ वाला पानी। तो इसके लिए भी हमें पानी तो चाहिए, हर चीज़ के लिए पानी ले लिया है और साथ में इसमें पानी पूरी मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक और ये पिसी हुई अदरक जिसे कि सौंठ भी कहते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर, इसको हम डाल देंगे। तो ये हमारा सौंठ वाला मसाला हो गया। अगेन इसमें खट्टेपन के लिए हम थोड़ी सी टाटरी डालेंगे। आप टाटरी की जगह नींबू का जूस, इमली का जूस कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा अगेन सौंठ वाला मसाला बनके तैयार हो गया। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉफ्ट पाउडर भी मिला सकते हैं। तो कुछ लोग पानी पूरी में मटर डालना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग उसमें आलू डालना पसंद करते हैं, कहीं इसको गोलगप्पा बोला जाता है, कहीं पानी पूरी, तो कहीं पानी के बताशे। आप जो भी बोले, इसका टेस्ट सबको पसंद होता है, सबको ही अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको इन पानी में से कौन सा पानी सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।